नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुनाल टेक्निकल सोल्यूशन में। तो दोस्तों, हमारे पास जो है एक डेल का 3542 का ये लैपटॉप आया है। तो इसके अंदर जो है कस्टमर ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है उनकी 2 GB की रैम है, बट उनको जो है इसके अंदर 4 GB की रैम करवानी है। तो दोस्तों, अब जो है आज जो है हम आपको डेल 3542 के अंदर रैम को एक्सटेंड करने का तरीका बताएंगे कि आप इसके अंदर जो है रैम को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, 2 GB की जगह 4 GB और 4 GB की जगह 8 GB किस तरीके से कर सकते हैं, जितनी एक्सटेंड करनी है आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले रैम एक्सटेंड करने के लिए आपको जो है ये दोनों लॉक को इस तरफ करना होगा, एक लॉक इस तरफ करना होगा और इसकी जो है बैटरी को उठाना होगा। बैटरी निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर कोई भी चीज़ करने से पहले। और दोस्तों उसके बाद ना आपको यहाँ पे एक स्क्रू दिखेगा, यहाँ पे ये स्क्रू को आपको ओपन करना होगा। मैं स्क्रू ओपन कर देता हूँ, ये मैंने स्क्रू ओपन कर दिया। स्क्रू ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ढक्कन दिख रहा होगा, इस ढक्कन को बाहर की तरफ स्लाइड करना है। इस ढक्कन को बाहर की तरफ स्लाइड करने के बाद आपको जो है यहाँ पे रैम दिख जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय जो है कस्टमर के द्वारा हमें बताया गया है कि इसके अंदर जो है उनकी 2 GB की रैम है। तो 2 GB की रैम हमें जो है यहाँ पे दिख गई है। बट दोस्तों अभी अभी मुझे पता लगा है कि डेल 3542 के अंदर रैम का सिर्फ एक ही स्लॉट होता है, तो इसके अंदर जो है हम सिर्फ 4 GB की एक सिंगल रैम को ही इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें जो है 2 GB की 2 रैम आप नहीं डाल सकते हैं। तो हम जो है ये हमारे पास एक 4 GB की रैम अभी हमने मंगवाई है, तो ये 4 GB की रैम जो है हम इस वाले लैपटॉप में इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं कि आप जो है 2 GB से 4 GB में कैसे रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो है हमने 4 GB की रैम इसमें डाल दी है। वापस से जो है ढक्कन उसी प्रकार से यहाँ पर रखें, ढक्कन जो है यहाँ पे रख के आपको दोबारा से जो है इसको बंद कर देना है और स्क्रू इसके अंदर लगा देना है। तो थोड़ा सा जो है मेरे हाथ में कैमरा है इस वजह से। तो ये जो है स्क्रू इसके अंदर आपने दोबारा से लगा देना है। तो स्क्रू जो है टाइट हो गया है, अब इसके अंदर आपको जो है वापस से बैटरी लगा देनी है। तो जो है लैपटॉप में जो है रैम डल चुकी है। आपको जो है मैं प्रॉपर्टीज़ में दिखा देता हूँ इसे ऑन करके ले रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में। तो जो है लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम अंदर जा चुके हैं और इसके बाद जो है दोस्तों इस पीसी के अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 GB की रैम हमारी को शो कर रही है और इसमें जो पहले जो थी वो 2 GB की रैम इंस्टॉल थी। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने रैम को अपने लैपटॉप में एक्सटेंड कर सकते हैं। जो मेरा लैपटॉप का मॉडल है ये है डेल इंस्पिरॉन 3542। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।